सेमीकंडक्टर, ये नाम आपने कई बार सुना या पढ़ा होगा। फिजिकल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई में या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जब आपके खराब इलेक्ट्रॉनिक आइटम को आप बनवाने गए होंगे तो दुकानदार के मुंह से लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर होता है। इलेक्ट्रॉनिक की भाषा में जो चीजें या मेटल बिजली के अच्छे वाहक होते हैं, यानी जिनसे बिजली अच्छे से चालित होती है, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह जिनसे बिजली बिल्कुल भी नहीं जाती है, उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी और शीशा, और जिनमें बिजली बहुत ही कम या ना के बराबर चालित होती है, उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कैसे शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमीकंडक्टर मार्केट। इंडिया में सेमीकंडक्टर का डिमांड लगभग 24 बिलियन डॉलर का है और 2025 तक ये लगभग 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन देश भर की ज्यादातर जरूरतें मैन्युफैक्चरिंग के बदले इंपोर्ट से पूरी होती हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है और अप्रैल 2021 तक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग के लिए कई कंपनीज ने अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए जा सके। सेमीकंडक्टर्स और चिपसेट्स लगभग सभी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में लगते हैं। सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, आईटी हार्डवेयर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, वर्कप्लेस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग आदि इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है। इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन यानी IESA के मुताबिक देश भर में सेमीकंडक्टर का कंजप्शन 2019 में लगभग 21 बिलियन डॉलर का था, जो हर साल 15% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। सेमीकंडक्टर का बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है। एक, ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर्स को इंपोर्ट करके या उन्हें किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से खरीद के आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, या अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर संख्या लैब्स, ASM टेक्नोलॉजीज, ब्रॉडकॉम INC, CDIL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जैसे इंडियन कंपनीज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग ब्रांड्स हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो इसके बारे में आपको कुछ चीजें जानकर रखनी चाहिए। करोड़ों की लागत वाला बिजनेस है ये। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के काम में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इसलिए लगती है क्योंकि इन्हें बनाने के लिए बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही इन्हें बनाने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है जहां धूल मिट्टी और दूसरे डस्ट बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे में सेमीकंडक्टर्स खराब हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी फंक्शनिंग बहुत बारीक होती है और धूल का एक छोटा कण भी इनकी काम करने की क्षमता खराब कर सकता है। जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल में रखनी पड़ती है ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को कम किया जा सके। मैन्युफैक्चरिंग के बाद उनकी टेस्टिंग भी करनी पड़ती है जो मशीन से ही होती है, क्योंकि ये काम लोगों से करवाना या खुली आंखों से करना पॉसिबल नहीं है। रोबोटिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ती है। एक स्टार्टअप के तौर पर भी अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की जाए तो भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर करनी होती है, क्योंकि मार्केट में इनकी इतनी डिमांड है कि स्मॉल क्वांटिटी पे इनका प्रोडक्शन करके आप डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बना पाएंगे। इस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री की ज्यादातर डिमांड इम्पोर्ट से पूरी होती है, इसीलिए अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो आपको लार्ज वॉल्यूम पे खेलना होगा। चीप लेबर की जरूरत पड़ेगी। यूं तो इंडिया में चीप लेबर की कमी नहीं है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ स्किल्ड और एजुकेटेड मैन पावर की जरूरत पड़ती है, जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए पढ़े लिखे और हाईली स्किल्ड मैन पावर जो कम खर्चे में मिल जाए तो कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्शन कॉस्ट कम कर सकती है। इसके अलावा भी एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे भी काफी खर्च होता है। इस इंडस्ट्री में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जो इंडिया में हर साल निकलने वाले बीटेक ग्रेजुएट्स को बहुत कम ही मिलती है। डिग्री के अलावा भी सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, प्रोडक्ट रियलाइजेशन जैसी चीजों पे काफी पैसा और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। इंडिया में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज भी स्किल्ड प्रोफेशनल्स की बहुत कमी है। रॉ मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर्स के लिए सबसे बेसिक चीज है सिलिकॉन और साथ ही जर्मेनियम, गैलियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बोरोन, कार्बन जैसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। ये रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं जिन पे काफी खर्चा होता है।
ये सभी मटेरियल्स जापान, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी मंगवाना काफी खर्चीला है। चाइना पे भी हमारी काफी डिपेंडेंसी है। इन सभी प्रोसेस में गवर्नमेंट काफी इन्वॉल्व रहती है। साथ के साथ देश के अंदर ही डोमेस्टिक मार्केट तैयार करने पे जोर दिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स बनाने में यूज होने वाले कई तरह के गैस भी बाहर से इंपोर्ट करने होते हैं, जिनका प्रोडक्शन आज भी इंडिया में ना के बराबर होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज होने वाले सेमीकंडक्टर्स बनाने का प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें डिजाइन एंड क्रिएशन, पैटर्निंग, वेफर फैब्रिकेशन, डिवाइस इंसुलेशन लेयर फॉर्मेशन, ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन, असेंबली और टेस्टिंग जैसी चीजें शामिल होती है। और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, एप्लीकेशंस इंजीनियर, डिजाइनर्स, मटेरियल्स मैनेजमेंट, फैब्रिकेशन और प्रोडक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। इन सभी चीजों के लिए किसी भी कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, ताकि हर छोटे से बड़े स्टेप पे कंपनी आसानी से अपना ऑपरेशन कर सके। सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए डाइसिंग मशीन्स, डाइसिंग ब्लेड्स, प्रोबिंग मशीन्स, पॉलिश ग्राइंडर्स, हाई रिजिड ग्राइंडर, वाफर एज ग्राइंडिंग मशीन, ऑक्सीडेशन सिस्टम्स, एपिटेक्शियल रिएक्टर्स, डिफ्यूजन सिस्टम्स, आयन इम्प्लांटेशन इक्विपमेंट, फिजिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम्स, केमिकल वेपर डिपोजिशन सिस्टम्स, फोटोलिथोग्राफी जैसे इक्विपमेंट विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। ये मशीनरी भी महंगी आती है और इनका मेंटेनेंस भी काफी महंगा होता है, और इन्हें बनाने वाली ज्यादातर कंपनियां भी बाहर के देशों से है, जैसे टोक्यो इलेक्ट्रॉन, लैम रिसर्च, ASML, अप्लाइड मटेरियल्स, KLA टैंकोर, स्क्रीन होल्डिंग्स, प्लाज्मा थर्म, ऑन्टो टेक्नोलॉजी, दाइफुकू, टेराडनी, एडवांटेस्ट वगैरह। अब बात करते हैं कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी होगी, जिसके साथ साथ ट्रेड लाइसेंस, GST, कंपनी के नाम पे टैक्सेशन, EIC यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लाइसेंस, MSME में रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम एंड लोगो जैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पड़ेंगे। ऐसे बड़े काम के लिए आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP सेटअप करने की जरूरत होगी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनती है, हम इस पर बहुत पहले केस स्टडी वीडियो बना चुके हैं, चैनल पर ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज बायर्स एंड कस्टमर्स। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले किसी भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स को बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, जिनके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको सेमीकंडक्टर्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरर्स करने पड़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके प्रोडक्ट्स हर हाल में इंटेल कॉर्पोरेशन, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तोशिबा, क्वालकॉम जैसे बड़े जायंट्स को टक्कर देने के काबिल होने चाहिए, ताकि देश के अंदर बने प्रोडक्ट्स आपके क्लाइंट्स की जरूरतें पूरी करें और इंपोर्ट के मुकाबले सस्ती हो। नेक्स्ट इज सप्लायर्स एंड पार्टनर्स। अगर आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनसे आपको सस्ते में सेमीकंडक्टर्स मिले और आप इंडिया में क्लाइंट्स ढूंढकर उनकी डिमांड पूरी करके मुनाफा कमा सके। ऐसी बहुत सी कंपनीज है जो आपको सेमीकंडक्टर्स के लिए पूरी प्लानिंग के साथ आपका बिजनेस सेट करने में मदद कर सकती है। एनीसिलिकॉन ऐसी ही एक वेबसाइट है, जहां सेमीकंडक्टर से जुड़ी सप्लाई चेन, टेस्टिंग, पैकेजिंग, क्वालिफिकेशंस, एनालिसिस पे आपको सर्विस मिल जाएगी। क्लाइंट सॉल्यूशन को हल्के में ना ले। एक कंपनी के तौर पे जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो क्लाइंट की जरूरत को समझना जरूरी है। कभी भी किसी क्लाइंट से बिना मिले और उनकी नीड्स को बिना समझे प्रोडक्शन शुरू ना करें। एक छोटा सा बदलाव भी आपको महंगा पड़ सकता है, इसीलिए आपकी क्लाइंट को डीपली समझिए, उन्हें क्या चाहिए उनके पॉइंट्स को समझिए, फिर क्लाइंट के अप्रूवल के बाद ही डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पे जाइए, ताकि आपका प्रोडक्ट सही निकले। इससे आपका वक्त, पैसा, मैन पावर और एफर्ट पानी में नहीं जाएगा, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे की गई गलती कंपनी की इमेज बिगाड़ सकती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को जानना जरूरी है। 2017-18 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए यूनियन बजट को बढ़ाकर इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फंड को $111 मिलियन कर दिया था। साथ ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए और 2020 तक इंपोर्ट को कम करने के लिए लगभग $1.5 बिलियन का इंसेंटिव भी अनाउंस किया था। इसके अलावा हैदराबाद में सेमीकंडक्टर्स के लिए प्रोटोटाइप सेंटर्स बनाने के लिए तेलंगाना सरकार ने घोषणा की थी। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स प्रोग्राम भी अनाउंस किया था। इसी तरह की पॉलिसीज और स्कीम्स के बारे में आपको जितनी जानकारी रहेगी,
आप उतने बेहतर तरीके से अपना बिजनेस प्लान कर पाएंगे और गवर्नमेंट पॉलिसीज का फायदा उठा पाएंगे। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी, कॉम्प्लिकेटेड और वेस्ट है कि इसे एक वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। इसीलिए लगभग सभी पॉइंट्स हमने कवर करके जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अपनी जानकारी बढ़ाने और नए बिजनेस आइडियाज पाने का कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। देखते रहिए क्विक सपोर्ट